शायद किला भी आगे बढ़ेगा। तो हम लोग जो है अब पहुंचे हैं चित्तौड़। चित्तौड़ की अदिति को हम भगवान मानते हैं, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। ये है पद्मावती मूवी का डायलॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो आज सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करेंगे बस। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैल और पापा और आरिश आज गए हुए हैं गव, तो उसकी क्लिप जो है मैं ऐड करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो गव में क्या करने गए। किसी रीजन से पापा का जरूरी काम था इसलिए वो लोग गाँव गए हैं। देखते हैं आज कैसा दिन जाने वाला है, तो वो सारी चीजें वो सब अपडेट मैं आपको देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, तो आज मैं आया हुआ हूँ चाचा के घर पे, सरजमीन पे, और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये हाँ, हम चंदियाने के अंदर, और ये हमारी चाची हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनकी उम्र लंबी करे। और ये चाची ने अभी यहाँ पर घर बनाया है माशाल्लाह से, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ी मेहनत करके चाचा और चाची ने बड़ी मेहनत करके घर बनाया। मैं बाहर से दिखाता हूँ आप लोगों को, माशाल्लाह से घर बनाया। और ये हमारे हैं, और ये हमारे सबसे बड़े वाले बड़े अब्बा हैं, और ये चाचा हैं हमारे, और इधर पापा हैं, इधर भाई जलील शायर, और माशाल्लाह से चाची हैं। बड़ी ही महफिल जम रही है। तो मैं इस ब्लॉग के अंदर एक ये भी गुजारिश करूंगा कि किसी दिन जो हमारे ददिहाल की महफिल होती थी एक वक्त पे, तो वो महफिल दोबारा जुड़े। क्योंकि देखिए, वक्त का इंसान का कुछ नहीं पता कि कौन कब चला जाए। आज के वक्त में जवान का नहीं पता लगता, बुढ़ापे का नहीं पता लगता कब चला जाए। तो हमारे बड़े अब्बा की उम्र है 95 हो गई ना, 95। अल्लाह पाक इनको 95 हमेशा 95 में रखे, और अल्लाह पाक वो ता उम्र जिंदा रखे, और इनका साया हमारे ऊपर रखे इंशाल्लाह। तो नहीं देता है जरूरत का भाव मेरा इन बच्चों के ऊपर है, ये जो हमारी औलाद है, कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का भाव, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते माशाल्लाह। मैंने उससे पूछा कि वली और अब्दाल में कोई फर्क, सब साहिब हैं सर। तो देखिए ये लोग गांव से आ चुके हैं, और देखिए आते ही इनके हाथ में लग गई, और ये पापा से पट्टी बनवा रहे हैं, जबकि पापा की खिदमत करनी चाहिए इनको, बट पापा इनकी केयर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप इन्हें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेडी क्यों हुई हूँ, थोड़ी सी रेडी हुई हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि हम लोग आज निकल रहे हैं मुंबई के लिए, बट हम लोग बाय कार जा रहे हैं, पर पापा और जैद रुक रहे क्योंकि जैद का स्कूल है, और पापा इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए पापा और जैद जो है घर पर ही रुक रहे हैं। बाजी, मैं, आरिश और शैल, हम चारों बाय कार जा रहे हैं मुंबई। तो हमारा मुंबई का सफ़र कैसा होने वाला है वो सारी तो व्लॉगिंग में आपको पता ही चल जाएगा। हमारे बैग रेडी हो गए, और सुबह से मैं सोच रही थी व्लॉगिंग करूंगी, बट हमारा ऐसा हो रहा था जाएंगे नहीं जाएंगे, कैंसिल है, अभी जाना है, अभी वहीं नहीं जाना, पूरा प्रॉपर से कन्फर्म हो जाए उसके बाद ही मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। तो मैंने जो है कपड़े सारे रख लिए और व्लॉग में जल्दी में सब कुछ पैकिंग करी है, तो कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बट हाँ सारी चीज़ें आपको अब से बिल्कुल प्रॉपर मिलेंगी हैं। और देखते हैं अभी कि हमारा सफर कैसे होने वाला है। ऑलरेडी पैक हो गए, इसमें से ये आरिज का, ये बाजी का है, और ये हम दोनों के सूट केस है। और हम कहाँ जा रहे हैं ये बताओ? हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं दिल्ली टू बॉम्बे बाय रोड। रास्ते में अपडेट मिलती रहेगी। देखिए बाजी भी रेडी होकर खड़ी, फुल मजे में, बाजी को सरप्राइज देना जाके यहाँ से। देखिए ये स्पेशली आए हैं, इन्हें हायर कराए हमने पैसे दे के, सूट केस उतारे। नहीं तो आज मैंने ये आउटफिट पहना है, देखिए। तो हम सब जा रहे हैं, अब हम फोन करते हैं। तो हम लोग अब निकल चुके हैं, वापस अलविदा ले जाऊंगा। तो हमारी गाड़ी है, तो हम लोग निकल चुके हैं। ये रहे ये, और ये बैठे बाजी, और तो देखिए गाइस, ये हमारा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इतनी लंबी जर्नी। ठीक है, इंशाल्लाह जहाँ तक गाड़ी चलेगी वहां तक चलाएंगे, बहस नहीं करनी किसी से भी, जहां तक गाड़ी चलेगी वहां तक चलाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे भी, क्योंकि अल्लाह की जात पे और अल्लाह के रसूल की जात पे भी यकीन है। इंशाल्लाह पहुंचते हैं, अभी पेट्रोल डलवाना है। भाई क्या आप थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो? मेरा तो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम है, इतना लंबा टूर, इतना लंबा टूर मेरा भी। और बाजी तो सबका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, तो पहली बार मुंबई जा रही हूँ मैं भी, और मैं तो काफी टाइम जा रहा हूँ। हम लोग अभी जो है बस एयरपोर्ट रोड पर ही है, देखिए कितना प्यारा रोड है। कहाँ से है?
तो हम लोग अभी जस्ट यहाँ पर रुके हैं कुछ चिप्स वगैरह लेने के लिए, और अभी जो है 1:30 हो रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त टोल टैक्स पे, जहाँ से टोल टैक्स कटा के हम जाएंगे सीधा जयपुर हाईवे पे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शेल ने जो मुझे पटाया था वो ये वाला सॉन्ग था। शेल मुझे हमेशा ये सॉन्ग भेजते थे, जब के बाद मैं शेल को यही सॉन्ग भेजती। हम पहुंच चुके हैं, हमने क्रॉस कर दिया है 80 किलोमीटर और अल्हम्दुलिल्लाह से हम चल रहे हैं बहुत स्लो स्पीड पे। हम सिर्फ 80-100 चल रहे हैं, ज्यादा स्पीड में नहीं चल रहे हैं, 80-100 चल रहे हैं। मजा आने वाला है इस वाली ट्रिप पे। तो इस ब्लॉग को तुमने ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, क्योंकि हम आप लोगों की वजह से ही जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि थोड़ी डिफरेंट चीज दो, घर से बाहर निकलो, घर तक का ब्लॉग कब तक देते रहोगे, तो इसलिए हमने सीधी एक ट्रिप बनाई है हमने लंबी। जी गाइज, आप लोगों की वजह से ही हम इतना लॉन्ग रूट से जा रहे हैं बाय कार, वरना हम फ्लाइट से भी जाने वाले थे, बट हमने कैंसिल किया कि 2 घंटे में फ्लाइट से पहुंच जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि बाय कार जाते हैं। तो सारी रूट और सब कुछ जो भी हमारे सामने, जो भी हम व्यू देखेंगे वो सब आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो आप लोगों की वजह से हमने ये जोखिम अपने सर पे उठाया है। हम लोग अभी रुके हैं एक ढाबे पे, जहाँ पे हम लोग थोड़े चिप्स वगैरह खरीदेंगे, क्योंकि खाना खाने का भी मूड है नहीं। तो अभी हम पहुँचे हैं आपका जयपुर से हैं हम अभी 150 किलोमीटर पीछे। क्या लेंगे? चाय नहीं? आपको पीनी है चाय? नहीं। बाजी चाय पियोगी? प्लीज गिव मी सम कैश। क्या आप मुझे पूरा वॉलेट दे सकते हो? मेरे वॉलेट में है क्या? है ही क्या? बहुत कुछ होगा, देखते हैं इनके वॉलेट में क्या है, काफी कुछ है। तो चलिए चलते हैं चिप्स की शॉप पे। चलो बाजी, बाजी देखिए, रात के 2 बजे पापा को बताती हूँ। बाजी रात के 2 बजे क्या कर रहे हैं? केक होगा और कोई सा भी नहीं है। तो ये वाली लेकर हमने चिप्स वगैरह ले ली हैं, और इनका वॉलेट इनको वापस दे देती हूँ, जितना यूज करना था कर लिया। तो सब लोग ये कह रहे हैं कि मैं मोटी हो गई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मोटी नहीं हुई हूँ। हाँ, थोड़ा सा वेट मेरा पुट ऑन हो गया, बट मैं इतनी ज्यादा हेल्दी नहीं हुई। मैं कैमरे में बहुत ज्यादा मेरा फेस जो है गोल लगता है, क्योंकि मेरा फेस गोल है इस वजह से, बट मैं इतनी ज्यादा मोटी नहीं हुई। मैं डाइटिंग कर लूंगी। मुझे रियल में देखते हैं ना तो सब कहते हैं, अरे आप इतनी पतली हो, इतनी स्लिम हो, और कैमरे में तो आप इतनी बड़ी लगती हो, इतनी हेल्दी लगती हो। बट जब रियल में सब देखते हैं, तो जो लोग मुझे रियल में देखते हैं उन्हें पता होगा मैं ज्यादा हेल्दी नहीं हूँ। तो अभी हम जयपुर से हैं 150 किलोमीटर दूर, बट बहुत जल्दी हम जयपुर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। गाइस देखिए, कलरफुल बस। ये हम सोच रहे थे कि ये पता नहीं क्यों रुके हैं, दोबारा से इन्हें कुछ चिप्स वगैरह लेनी है, बट ये जनाब रुके हैं अपनी गाड़ी क्लीन करने के लिए, जो इनका फेवरेट काम है। आप देख सकते हैं यहाँ से क्लीन कर रहा है, आप देख सकते हैं ना। You can see, guys, you can see, people... बिल्कुल क्लियर शीशे जैसा चमकता हुआ हमारा शीशा, शीशे जैसा चमकता हुआ। तो और कैसे चमकेगा ये? चलते चलाते हम लोगों को भूख लगी, तो हमने कहा खा ले बेटा मूंगफली। ओह माय गॉड, इनका नाम है भूरा, और ये आजकल काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा पूरा। Guys, you can see आइसक्रीम्स एंड ऑल। ओह माय गॉड, बच्चे अगर होते। हम लोग गाइस बर्गर खाने की सोच रहे थे, हम दोनों पैक करके लेके जाएंगे। तो हमें यहाँ पे बर्गर का मिल गया है, तो बेटे प्लीज है बस। तो हम फाइनली अब हमने लिया है एक स्टॉप। 150 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी, तो हमने सोचा कि अब चाय वगैरह ले लें और फिर उसके बाद चलेंगे। तो हम रुक चुके हैं, आरिश ने जैसे कि आपको दिखाई दिया था, ना खाना वगैरह खाएंगे फिर उसके बाद निकलते हैं। चलिए, तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें खाना क्या है। अभी हम लोगों ने चाय मंगाई, और ये देखिए यहाँ पे भी शुरू हो गए। ये चीज नहीं लगा। तो देखिए इनके हैं ये सैंडविच, और हम लोगों के बर्गर आ चुके हैं। तो चलिए ये टेस्ट करते हैं, और चाय तो हमारी है ही ऑलरेडी, चाय इसलिए पी रहे हैं ताकि हम जल्दी सोए नहीं। तो और बताते हैं कि ये कैसा है टेस्ट। हमने एक्स्ट्रा में लिए ताकि हमें रास्ते में भूख लगे तो दोबारा खा ले, तो हमने ये एक्स्ट्रा में सैंडविच और बर्गर रखा है। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी है कि मुझे हाथ यूं पूरा करना पड़ रहा है। यार रात के 4 बज रहे हैं,
बहुत दूर का सफर है पर ये इंसान फोटो खिंचवाने में लगे। अभी तो इनकी पूरी प्रॉपर हाइट देख लो एक बार। ये नीचे खड़े ना इस वजह से। नहीं लोग अब निकल चुके हैं और अब हम ऑन द वे हैं जयपुर के रास्ते में। जयपुर के रास्ते में तीन बार बोल चुकी है रूशी। खैर मैं बोलती रहती हूँ, मैं तो जागती रहूंगी। इन दोनों का मुझे भरोसा नहीं है, बाजी का और आरिश का, तो ये लोग जागेंगे या सो जाएंगे। देखो जिसका विकेट सबसे पहले गिरता है। नहीं मैं सीट पे बैठ के शेल बता दो, आपको आगे शेल आप गवा दे दो गवाही कि मैं जागती हूँ या सोती हूँ बता दो। सो जाती है तुम मिनट से पहले। मैं आपको व्लॉग में ही बताऊंगी कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। और हम व्लॉग बना के दिखाएंगे कि ये सो गई है सच में। जयपुर जो है वो 38 किलोमीटर दूर 530 होने वाले। गाड़ी चल चुकी है 237 किलोमीटर कि ये अभी दिन नहीं हो रहा है। अभी देखिए क्या टाइम हो रहा है, अभी प्रॉपर से दिन नहीं हुआ और थोड़े थोड़े हमें पहाड़ दिख रहा है। 1100 किलोमीटर दूर है अभी मुंबई। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जयपुर के अंदर। तो 6 बज रहे हैं सुबह के और अब हम जयपुर से निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। और ये है हमारे हैवी ड्राइवर, काफी अच्छी चलाई है अभी तक। कितने किलोमीटर चले अभी दिखा रहा है, देखो अजमेर अब भी 121 किलोमीटर है, मतलब मेरे हिसाब से 450 किलोमीटर दूर है अजमेर। गाइस देखिए सारे नए ट्रक हैं जो अभी लॉन्च नहीं हुए, लॉन्च हो चुके हैं। बाहर मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। चक्कर में चश्मा लगा लिया ताकि मैं आंखें बंद करके थोड़ी देर सो सकूं, इन्हें लगे कि मैं स्टाइल मार के बैठा हूं। देखिए ये पता नहीं कौन से खेत है, ताजा नहीं पता चल रहा है। आई थिंक ये बाजरा है, बाजरे के खेत है। बाजरे के खेत होते हैं क्या? बड़े बड़े पेड़ भी होते बाजरे के। अच्छा बाजरे ये आपको दिन आप अपना पास अंदाजा लगा लेना ये काय के थे काय थे मुझे पता नहीं। ओके ई का बैटरी एकदम लुल हुई गवाह है। देखिए मैंने जब कहा है ना कि सब जो सोएगा मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी, कोई सो नहीं रहा है इसी डर से। देखिए अब यहाँ तक दूर दूर तक खेत आ रहे हैं, दिल चाह रहे हैं यहाँ पे चांदने का जाने का। सॉरी देखिए यहाँ दूर दूर तक पानी पानी है। तो हम रुके हैं यहाँ पे अभी ढाबे पे, बहुत बड़े बड़े इतने बड़े टिड्डे भाई साहब अंदर। वॉशरूम करने गया मेरी हवा का, मैं वॉशरूम करने के लिए गया मेरी हवा खराब हो रही पूरी वाली। तो हम लोग यहाँ रुके थे बट हम वापस जा रहे हैं क्योंकि आपको गाड़ी में बैठकर बताऊं कि हम क्यों जा रहे हैं वापस। तो हम लोग यहाँ से इसलिए निकल आए क्योंकि हमें टिड्डों से बहुत डर लग रहा था, बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम किसी और जगह ढाबे पर देखते हैं जहाँ पर टिड्डे नहीं हो वहाँ पे रुकेंगे। ये पता नहीं क्या सुखा रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक मसाला है कोई सा। ओके ये झील की नदी है, झील की नदी है। झील है, सॉरी ये झील है। मुझसे किन्ने कहा था, बाजी ने कहा था मुझसे झील की नदी है। अगर अगर ये हाईवे ये मेरे बाजी का नहीं कह रहा हूं बात के साथ आ जाता। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मैं कुछ भी गड़बड़ करती हूँ ना मैं बाजी का नाम लगा देती हूँ। कभी मैं कुछ भूल जाती हूँ रख के तो मैं कहती हूँ बाजी ने रखा है। कभी शैल मुझसे कुछ पूछता है ये कपड़ा कहाँ, मैं कहती हूँ बाजी ने रखा है। तो मैं सारे इल्जाम अपना। देखिए यहाँ पे पहाड़ भी शुरू हो चुके हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए सारे आपको पहाड़ दिखेंगे यहाँ पे, दिखेंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ है जो बहुत दूर की दूर है, वाइट वाइट जिसपे बर्फ गिरी हुई है। देखिए ये बेचारे अभी भी क्लीन कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि हम लोग बैठ के थक गए, ये बेचारे तो चला रहे हैं, उनका क्या हो रहा होगा। जब भी हम यहाँ पर आए होटल पर, फाइनली हमें होटल मिल चुके, हमें रूम मिलेगा या नहीं देखते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए, टायर्ड फील हो रहा है,
बुरे हालत हो गई। और बाकी नो डाउट कि होटल जो है वो अच्छा दिख रहा है, बस हमें यहाँ पर रूम मिल जाए अवेलेबल हो। तो हम लोग अभी यहाँ पे कैंटीन में बैठे हैं, चाय पीते हैं। तो फाइनली हम 450 किलोमीटर चलाने के बाद हम रुके हैं, अभी हम पी रहे हैं चाय। ये अब हमने चाय मंगाई। गाइस हमारा बैड लगता कि हमने इतने मेहनत से सर्च किया था रूम, होटल सॉरी सर्च किया था, बट यहाँ पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है 12 बजे से पहले, और अभी बज रहे हैं 8। तो हम 4 घंटे यहाँ पे वेस्ट बाहर बैठ के क्या करते, इसलिए हमने सोचा कि चलो अब यहाँ से निकल जाते हैं, अब जहाँ हमें जाना है वहीं जाएंगे, उदयपुर में रुकेंगे। खैर हम लोगों का तो कुछ नहीं, यही है बेचारे जो चला रहे। अरे भैया तुम लोग सो जाओ, हरीश ऋषि को पीछे कर और तू आगे वाली सीट पे, दोनों को सोने देना है ना। देखिए हमारे पूरी जर्नी में जो सबसे ज्यादा बोल रहे थे कि मैं नहीं सोऊंगा वही सो गए। देखिए देखिए कैसे सो रहे, चश्मा जान मुझ के लगाया था हरीश ने कि वो सो जाए आंखें बंद करके और किसी को पता ना चले। देखिए तो देखिए देखिए कैसे मजे से सो रहे हैं, देखो ऊपर वाला पहाड़ गाइस, जी देखिए यहाँ के पहाड़ झील जैसे कैसे, ये तो ऐसा लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल ऐसा छटे हुए जैसे बीच में, हाँ काटे किसी ने ऐसे, दूर से देख झील लग रही है बिल्कुल। हाँ तो हम लोग जो है अब पहुँचे हैं चित्तौड़ की अतिथि को हम भगवान मानते हैं, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग होता इस वक्त, ये है पद्मावती मूवी का डायलॉग। ये यहाँ पर मिल रही है बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत तलवारें, सकते हैं कि 11:30 बज रहे हैं और अभी हम है उदयपुर के हाईवे रोड पर। उदयपुर रह गया हमसे सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर दूर रह गया उदयपुर शहर को। 12 घंटे हो गए कंटिन्यू ड्राइविंग करते करते, इनको हैट्स ऑफ है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्राइविंग कर। उदयपुर जाके स्टे करेंगे फिर इंशाल्लाह आराम करके फिर वहाँ से तब निकलेंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो गाइस जो अभी तक जाग रहा है वो मैं और शैल है, देखिए बाजी सो गई और ये जनाब अभी उठे। इतना खूबसूरत लग रहा है ये पहाड़ कटा हुआ, वाओ बिल्कुल कलरफुल और इतना खूबसूरत। तो फाइनली डेली नंबर गाड़ी उदयपुर पहुंच चुकी है, मैंने कंटिन्यू चलाई है गाड़ी क्योंकि मेरे को था यार मैं जितना रोड क्रॉस कर दूंगा। रास्ता है जो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हर तरफ धूल ही धूल। तो क्या हो गए, ऐसा क्या है ये, पता नहीं क्या है ये, कोई पता नहीं कौन सा ऐसा गंदा पानी अच्छा पानी मुझे नहीं पता, आप खुद लोग देख के अंदाजा लगा ले। काफी देर बाद हमें होटल दिखा है तो अब हम इसमें जाते हैं और देखते हैं रूम्स अवेलेबल है या नहीं। ऑनलाइन हमने इसलिए बुक नहीं किया क्योंकि ऑनलाइन कुछ होटल दिखाते हैं अच्छे और होते कुछ और हैं, इस वजह से हमने सोचा कि वहाँ जाकर डायरेक्ट ही होटल बुक करेंगे, इसलिए लोग अभी बात कर आए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, अभी देखते हैं। 1 बज रहा है